चोरों में पुलिस तो क्या, अब भगवान का भी कोई खौफ नहीं है। अगर यकीन नहीं आता तो आप इस सीसीटीवी फुटेज को ही देख लीजिए कि कैसे ये चोर हेलमेट पहनकर मंदिर से दान पात्र उठाकर ले जा रहा है। शायद इसे यकीन नहीं कि ये सीसीटीवी फुटेज से अपना चेहरा छिपा लेगा। पूरे 32 मिनट तक आरोपी मंदिर में चोरी करता रहा, करीब 5 बार दान पात्र और बाकी सामान लेकर अंदर बाहर जाता रहा। सुबह जब ग्रामीण मंदिर में पूजा करने पहुंचे तो चोरी का पता चला और फिर पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। मंगलवार की रात इस मंदिर में चोरी हो गई। चोरों ने दान पात्रों को चुरा लिया और उसकी धनराशि को निकाल करके दान पात्रों को खेतों में फेंक गए। इस घटना से गांव के नागरिकों में, अक्षेत्र की जनता में, साधु समाज में बहुत रोष है। 2019 में भी मंदिर में चोरी की घटना हुई थी, उस घटना का आज तक कोई समाधान नहीं निकल पाया है। बार बार घटना से, चोरी की घटना से अक्षेत्र के लोगों में, ग्रामीणों में रोष है। इसका अतिशीघ्र पुलिस प्रशासन समाधान निकले, चोरों को गिरफ्तार करें, उनको उचित और कार्रवाई करें। ये सीसीटीवी फुटेज सोनीपत के नाहरी गांव के दादा शंभू मंदिर का है। जब चोरी के बाद अगले दिन गांव के लोग पूजा करने गए तो अचानक उनकी नजर दान पात्रों पर पड़ी जो अपनी जगह पर नहीं थे। जांच की गई तो खेतों में ताले टूटे हुए दान पात्र मिले जिनमें से नकदी गायब थी, जिसके बाद सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्डिंग की जाँच की गयी। मामले की शिकायत पुलिस को दी गयी। अब इसमें नारी गांव में मंदिर का मामला है, उसमें CCTNS के उस पर पर्चा दर्ज कर दिया और जांच शुरू कर दी। मामला दर्ज कर लिया उसने। मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। पुलिस ने जांच के बाद चोरी का मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज भी ले ली है। ग्रामीणों ने पुलिस कर्मियों को बताया कि दान पात्रों में लाखों रुपए थे। आसपास के कई गांव की मंदिर में आस्था है। मंदिर में 24 सितंबर 2019 की रात को लूट भी हो चुकी है, जिसमें बदमाश मंदिर के महंतों को बंधक बनाकर सोने के कुंडल व दान पात्र से नकदी लूट कर ले गए थे। उन्होंने चोरी के मामले में ठोस कार्रवाई की, चोरों का पता लगाने की मांग की। देखना होगा कि पुलिस आखिर कब तक दोनों वारदातों का खुलासा कर पाती है। सोनीपत से पवन राठी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।